हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए गुजरात की एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे सूरती लोचो। तो गुजरात की बहुत सी रेसिपीज आपने ट्राई की होंगी, इसे भी ट्राई ज़रूर करें। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कुकिंग शुकिंग इंडिया बाय शगुन में। सूरती लोचो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उड़द और चने की दाल को भिगो कर रख लिया था। आधा कप उड़द की दाल, आधा कप चने की दाल। तो मैंने इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख लिया था। और अब मैं क्या करूँगी ना, इन दोनों दालों को ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ मैंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया और इसमें 2 से 3 चम्मच जो है पानी वो रहने दिया है। और अब मैं दाल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक ग्राइंडिंग जार में और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, सारी दाल जो है ना मैंने ग्राइंडिंग जार में निकाल दी है और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। आप चाहें तो दाल को ओवरनाइट भी भिगोकर छोड़ सकते हैं। और देखिए, दाल मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर ली है लेकिन अभी अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 2 से 3 चम्मच पानी और ऐड करूँगी ताकि ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए, एकदम फाइन पेस्ट इसका जो है ना वो बन जाए। और इसी के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। तो देखिए, दाल मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर ली है, आप देख सकते हैं एकदम फाइन पेस्ट जो है ना मैंने दाल का बना लिया है। तो अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ। तो इसे जब भी निकालें ना, थोड़े से खुले बर्तन में निकालें। दाल को अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे और इसी तरह से जो उड़द की दाल हमने भिगोई हुई थी ना, उसे भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए, उड़द की दाल को भी मैं ग्राइंडिंग जार में ऐड कर रही हूँ और इसे भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये दालों से बनाई गई रेसिपी है तो हेल्दी तो होती है, और गुजरात की वैसे मैक्सिमम रेसिपीज बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत कम ऑयल का यूज़ होता है उन्हें बनाने में। तो जिस बर्तन में हमने चने की दाल निकाली थी ना ग्राइंड करने के बाद, उसी बर्तन में अब मैं उड़द की दाल को भी निकाल लूंगी। और अब हम क्या करेंगे ना, इसे अच्छे से इस तरह से हम फेंट लेंगे। तो इसे जब भी फेंटे ना, एक ही डायरेक्शन में फेंटे। आप चाहें तो विस्कर से भी इसे फेंट सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे चम्मच से फेंट रही हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब इसे ढक्कन लगाकर हम ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। आजकल गर्मियाँ हैं तो आप 8 से 9 घंटे के लिए इसे छोड़ सकते हैं फर्मेंट होने के लिए। 5 से 6 घंटे में भी ये फर्मेंट हो जाएगा। तो ओवरनाइट मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ और देखिए, अगली सुबह देखिए कितने बढ़िया से जो हमारी दाल है ना वो फर्मेंट हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया जो है वो उफान सा आ गया है, एकदम बढ़िया से ये फर्मेंट हो रखी है। तो मैं आपको यहाँ पे करछी चला करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया इसमें जो जाली है ना वो आ गई है। तो इसे ओवरनाइट ज़रूर रखें, या आप 5 से 6 घंटे के लिए रख सकते हैं गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में तो ओवरनाइट ज़रूर रखें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, बिल्कुल स्वाद अनुसार। आप अपने हिसाब से नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप दही। दही आप चाहें तो जब आपने इसे ग्राइंड किया था ना तब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी स्टेज पर ऐड करती हूँ तो मैं ये अभी ऐड कर रही हूँ। और इसे भी मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो रेसिपी है ना, इसकी जो इन्वेंशन है वो सूरत में हुई थी, इसलिए इसे सूरती लोचो कहा जाता है। गुजरात की आपने बहुत सी रेसिपीज ट्राई की होंगी, जैसे कि ढोकला, खाखरा, फाफड़ा। तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी बहुत सी गुजराती रेसिपी शेयर की हैं, वो भी आप चेक ज़रूर कर लें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी हमें इसमें इतना ऐड करना है ना कि ये बढ़िया से पतला हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। तो बेसन से ना एक बढ़िया सी इसमें जाली आती है और एक बेस मिल जाता है बेसन ऐड करने से। ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसे भी मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है, लेकिन हमें इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं चाहिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक थाली ले ली है। देखिए, थाली को मैंने अच्छे से ना ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो मिक्सचर हमारा यहाँ पे रेडी है, लेकिन अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो इसमें हम अच्छी क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 से 3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ।
जितना ज़्यादा ये पतला होगा ना उतना ही सूरती लोचो जो है ना वो यमी बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, जितना पतला आप इसे रखेंगे ना उतना ही बढ़िया जो है ये बनेगा। तो अब मैं इसमें पानी की क्वांटिटी और ऐड कर रही हूँ। तो इन टोटल मैंने यहाँ पे 3 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, वही ग्लास जो घर में हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं ना उस ग्लास से मैंने 3 ग्लास पानी जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। जितना ज़्यादा इसे पतला रखेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी फ्री फ्लोइंग इसकी कंसिस्टेंसी है, तो ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। आप चाहे तो इससे भी पतला इसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में स्टीमर गर्म होने के लिए रख दिया है, एकदम हमारा देसी स्टीमर पानी मैंने इसमें गर्म होने के लिए रख दिया है ढक्कन लगाकर। और अब हम क्या करेंगे ना इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसे जब भी सर्व करें ना गर्मा गर्म सर्व करें, ठंडा होने के बाद ये अच्छा नहीं लगता है। तो जितना मुझे अभी बनाना है उतना मैंने ले लिया है, बाकी मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो देखिए इतना मुझे अभी बनाना है, तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ इनो। तो इनो का मैं 1/2 सैशे इसमें ऐड कर दूंगी और 1/2 मैं रख लूंगी दूसरी बार के लिए। और इनो ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है, अच्छे से इसे इस तरह से चला लें। देखिए कितनी बढ़िया इसमें झाग आएगी इनो ऐड करने के बाद। वैसे ही ऑलरेडी फर्मेंटेड है तो आप इसे एज इट इज़ भी बना सकते हैं, लेकिन इनो ऐड करने से इसमें जो जाली है वो और भी ज़्यादा अच्छी आती है। थोड़ी सी हल्दी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कलर के लिए और इसे भी मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्दी आप इनो ऐड करने से पहले ऐड कर दें, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने इनो ऐड करने के बाद ऐड की है, लेकिन आप इनो ऐड करने से पहले ही हल्दी ऐड कर दें। और अब मैं इसे इस थाली में निकाल रही हूँ जो हमने पहले से ही घी से ना ग्रीस करके रखी है। तो देखिए एकदम पतली लेयर हमें इसकी बनानी है, जैसे ढोकले की लेयर होती है ना बहुत मोटी, इडली होती है बहुत मोटी, या आप समझ लीजिए खांडवी भी थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन वैसे हमें इसे मोटा नहीं रखना है, हमें एकदम पतली लेयर इसकी चाहिए। और स्टीमर यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है, तो अब मैं इस थाली को इसके ऊपर रख रही हूँ और 10 से 12 मिनट में जो हमारा ये सूरती लोचा है ना बन करके रेडी हो जाएगा। तो इसे अब हम इसमें रख देंगे, बहुत ही ध्यान से रखें फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइम पे ना जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से आप इसे सेटल करें और एकदम सीधा हमें इसे सेटल करना है। देखिए मैं भी इसे एकदम सीधा सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो लीजिए अभी एकदम सीधा कढ़ाई में रखी गई है थाली, अब मैं इसे ढक्कन लगा कर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगी। 10 मिनट में मैं इसे एक बार चेक कर लूँगी, अगर लगेगा कि थोड़ी सी कसर है तो 2 मिनट के लिए इसे मैं और पका लूँगी। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैं इसे चेक कर रही हूँ, देखिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने का भी एक तरीका है, जिस तरह से हम ढोकले को नाइफ से चेक करते हैं ना बस वैसे ही इसे चेक करना है जैसे केक को चेक करते हैं, लेकिन ढोकला बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और ये झटपट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, थोड़ा सा नाइफ जो है वो गीला बाहर आया है, तो मैं 2 मिनट के लिए इसे फिर से ढक रही हूँ। अब पूरे 2 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी और फिर इसे मैं निकाल दूँगी। बस दाल को पीसने और फर्मेंट करने तक की देर है, फिर तो इसे बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और 2 मिनट के बाद देखिए इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं और देखिए बढ़िया से जो है हमारा नाइफ है एकदम क्लीन बाहर आ रहा है, अच्छे से हमारा जो सूरती लोचो है वो बन गया है। और अब मैं क्या करूँगी ना इसे बाहर निकाल लूँगी। तो इसे बहुत ही ध्यान से आप बाहर निकालें, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, किसी की हेल्प ले लें। और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे ये ठंडा हो गया है, तो आइए अब इसे सर्व करते हैं। इसे सर्व करना बहुत आसान है, इसे नाइफ से कट नहीं लगाने हैं, कोई शेप नहीं देनी है, बस इस तरह से एक प्लेन सा पलटा ले ले और इस तरह से इसे खुरच दें। देखिए कितने आसान है इसे सर्व करना भी, ये इसी तरह से सर्व किया जाता है, इसलिए मैं आपको वीडियो में भी इसी तरह से सर्व करके दिखा रही हूँ। तो लीजिए अब इसे सर्व करते हैं। तो
तो इसे आप अपनी पसंद की चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी के साथ इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी इसे बनाएं तो गर्मा गर्म सर्व करें। जितना बनाना है जितना आपको सर्व करना है उतना ही एक बारी में बनाएं, बाकी को आप फ्रिज में स्टोर करके रख लें, क्योंकि ये ठंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो लीजिए, यहाँ मैंने इसे प्लेट में सर्व कर दिया है। अब मैं इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। तो इसे आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सूरत में सर्व किया जाता है ना, मैं उस तरह से सर्व कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। आप इसके ऊपर मेल्टेड घी भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं, कितना चटपटा खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आप इसमें चीजें ऐड कर लें। इसी के साथ थोड़ा सा चाट मसाला मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। चाट मसाले से एक चटपटापन आएगा हमारे सूरती लोचों में। और ये इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो भी यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और थोड़ी सी ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, थोड़ी सी सेव। और लीजिए, सूरती लोचो सर्व करने के लिए एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर प्याज ऐड करूंगी, जिस तरह से सूरत में सर्व किया जाता है बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे सर्व करूंगी। तो थोड़ा सा चॉप्ड प्याज इस तरह से ऐड कर दे, और है ना एकदम हेल्दी। आप बटर को चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बिना तेल के भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। कोई घी बटर ऐड नहीं करेंगे ना, तो इससे ज़्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्द मिलूंगी इसी तरह की बढ़िया टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।